आई एम इंजीनियर संजय, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना की तरफ से आप लोगों के सामने एएलपी 2 सीबीटी 2 का ट्रेड का सिलेबस लेकर के आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसका पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। हेलो, साउंड आ रही है? हेलो, खुद चेक कीजिए ना। नो, नहीं सर, साउंड नहीं आ रही है। हाँ, बोल रहे हैं तो रिप्लाई आ रहा है। बोलेंगे साउंड आ रही है। यस, ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। चलिए ठीक है, हम रिपीट कर दे रहे हैं कहाँ से चल रहे थे, क्या कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रांसफार्मर,
बताए थे, जो हम अभी ये सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, तीनों ट्रेड को यह पढ़ना है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत इजी है, आसान है, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। ट्रांसफार्मर, तो फर्स्ट हम वर्ड स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। नाम है आपका ट्रांसफार्मर, ध्यान में रखेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब इसको याद में रखेंगे ट्रांसफर। तो क्या चीज को ट्रांसफर करेगा? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम तो दूसरा कुछ नहीं देंगे, देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। किसके थ्रू से? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इस मैग्नेटिक सर्किट के माध्यम से यह क्या करेगा? सपोज दैट इधर से हम क्या देते हैं, करंट सप्लाई दे रहे हैं। हाँ, इसका फिर आगे हम डील करेंगे, ट्रांसफर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता है, क्यों करता है, सारे बात को देखेंगे। इधर से हम दे दिए सप्लाई, इधर से दे रहे हैं करंट। हम लोग जानते हैं व्हेन इवर ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जब कभी किसी भी तार से करंट पास करता है, जब कभी किसी भी तार से करंट पास करता है, तो उसके चारों तरफ, उसके अराउंड क्या हो जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। व्हेन इवर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देन फ्लक्स मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड अराउंड दैट कंडक्टर। जब कभी हम लोग कंडक्टर से करंट को फ्लो कराते हैं, तो उसके अराउंड चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। व्हेन इवर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड अराउंड द कंडक्टर, अराउंड द कंडक्टर, यहाँ डॉट होगा, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। तो कैसे? जिधर करंट है, यानी करंट के डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, और चारों उंगली को, फोर, ये फोर फिंगर्स को क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हम करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे हैं और ये चारों उंगली को मूव करा रहे हैं, तो ये ऐसा मूव नहीं हो सकता है, ये बाहर मूव नहीं हो सकता, ये क्या होगा, अंदर मूव होगा। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवार्ड जा रहा है। क्रॉस का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इनवार्ड मतलब अंदर की ओर, क्रॉस का मतलब क्या समझेंगे, इनवार्ड अंदर की ओर। यदि यह अंदर गया है तो रिटर्न होकर के फिर क्या होगा, वापस भी होगा। यदि यह इनवर्ड गया तो रिटर्न होकर के फिर क्या होगा, वापस भी होगा। तो जब यह बाहर की तरफ आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर, ध्यान में रखेंगे। वेन इवर करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, वेन इवर करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड दैट कंडक्टर। यदि किसी भी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के राइट हैंड से देते हैं, थंब रूल से, फ्लेमिंग के राइट हैंड के थंब रूल से देते हैं। क्रॉस मतलब इनवार्ड, डॉट मतलब आउटवार्ड। इसका एग्जाम्पल आप छोटा सा देखते होंगे, ट्रेन इनवार्ड मतलब अंदर की ओर, यदि आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये क्रॉस का मतलब ये आपसे दूर जा रहा है, न कि आपके नजदीक आ रहा है। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं तो क्रॉस का मतलब ये आपसे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो आप सोचेंगे, अब ट्रेन, ट्रेन का जो पीछे वाला बॉगी होता है, उसके पीछे में आप हमेशा देखेंगे क्रॉस लिखा हुआ रहता है। इसका मीनिंग आप यहां से भी देख सकते हैं, ट्रेन के जो पीछे वाला बॉगी होता है उसको आप देखिएगा क्रॉस लिखा हुआ रहता है। अब क्रॉस का मतलब, जब हम ट्रेन के बॉगी को क्रॉस देख रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है, हमारे तरफ आ रहा है, वो क्या होगा, हमसे दूर जा रहा है। तो ये क्रॉस है, इसका मतलब यहां पर यदि कोई खड़ा है, वो क्या आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, आउटवर्ड। यदि इसका डायरेक्शन हम आप चेंज कर दें, इसका डायरेक्शन आप क्या कीजिएगा, पहले ऊपर था, अब इसका डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जब इस डायरेक्शन का हम चेंज करेंगे, तो अब फिर यहां पर अब ऐसे लगाएंगे थंब रूल, जब ऐसे लगाएंगे थंब रूल, तो यहां पे इनवर्ड, यहां पे इसका जस्ट रिवर्स, यहां क्रॉस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। जब डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, करंट के डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा जी, चेंज हो जाएगा।
यदि डीसी करंट इसमें दे रहे हैं, एक ही करंट है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो यहां पर क्रॉस रहेगा, यहां पे डॉट होगा। लेकिन यदि हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, एसी करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, समय समय पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट, और जब ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो फिर ये भी क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि करंट अल्टरनेटिंग है, करंट चेंज हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग करंट देंगे, फ्लक्स भी यहां पर कैसा क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। तो अब यहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर में देते हैं एसी, ट्रांसफार्मर में क्या देते हैं, एसी। अब सेम इस रूल का हम यहां पे फॉलो करेंगे, ट्रांसफार्मर में क्या दे रहे हैं, एसी, या एसी करंट है, एसी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो यहां पर भी क्रॉस डॉट भी क्या होगा, चेंज होगा, ध्यान में रखना। जब अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं तो जब इसमें करंट देंगे तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन साथ में ऐसा करंट फ्लो कर रहा है जिसका डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक बार ये ऐसे जा रहा है और जस्ट उसी समय के बाद फिर ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, यानी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स आपको क्रिएट होगा, ये जो फ्लक्स फाई होगा, ये भी आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, ये भी नेचर से क्या होगा, एसी होगा, ये भी फ्लक्स फाई क्या होगा, आपका एसी होगा। तो हम एक चीज क्या देखें, इसमें करंट दिए एसी, तो इस कॉइल में ये फ्लक्स क्या किया, चेंज किया, फ्लक्स क्या किया, अल्टरनेटिंग फ्लक्स चेंज किया, और ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन इवर फ्लक्स चेंजिंग थ्रू ए कॉइल, व्हेन इवर फ्लक्स चेंजिंग थ्रू ए कॉइल, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। यानी जब किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ क्या होगा, उत्पन्न होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सपोज दैट यहां पर एक कॉइल ले लिए हैं, यहां पर क्या लिए हैं, एक कॉइल लिए हैं, यहां पे लगा देते हैं, सिंगल टर्न कॉइल है, यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल से निकलता है, आउट होता है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ पोल में इन करता है। तो यहां से यदि मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से दर्शा रहे हैं, और बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी ये मैग्नेट भी फिक्स्ड है, ये कॉइल भी फिक्स्ड है, इसमें कितना लाइन पास कर रहा है, दो दो चार पांच, सपोज दैट पांच लाइन पास कर रहा है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इतना लाइन पास कर रहा है। तो अभी कुछ समय के बाद देखेंगे तब पर भी पांच लाइन पास करेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें अभी फाइव नंबर ऑफ लाइन फ्लक्स फाइव है, कुछ समय के बाद भी फाइव ही रहेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब ये इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा इधर मूव करेंगे, जब इस मैग्नेट को थोड़ा सा क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो इसमें से लाइन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी चेंज हुआ, पहले था पांच, अब थोड़ा सा कम हो गया, तो चेंज हो गया। अब फिर इस मैग्नेट को हम और नजदीक ले जाएंगे, तो ये जो अभी एक दो लाइन बाहर है वो भी क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इस कॉइल में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल के दोनों एंड के क्रॉस, यानी ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, तब डिफ्लेक्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जब ये स्थिर है, स्टैटिक है, रुका हुआ, तब इसमें इंड्यूस ना होगा, लेकिन जब ये इसमें हम चेंज कराएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जब यहां पर डीसी था, इस वायर में एक ही करंट था, एक ही डायरेक्शन में करंट था, तो यहां पे क्रॉस, यहां पे डॉट, कुछ समय के बाद भी देखेंगे तब पर भी यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यानी चेंज नहीं कर रहा। जब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यानी चेंज हो गया थंब रूल के अनुसार। और डायरेक्शन तो चेंज होता है केवल एसी में, डीसी में तो डायरेक्शन चेंज होता
है नहीं, तो यदि यहाँ पे हम एसी दे रहे हैं, एसी करंट है, तो इसके कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग ही होगा। तो जब भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस कॉइल में कट करेगा तो इसके क्रॉस क्या उत्पन्न होगा, ई एम एफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, चेंज करेगा, तो इसमें क्या होगा, ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा, और इस ई एम एफ को बोलते हैं ई वन। चूंकि यह फ्लक्स नेचर से एसी है, अब इस कॉइल को भी, सेकेंडरी कॉइल को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जब सेकेंडरी कॉइल को भी कट करेगा तो यहां पर भी फ्लक्स क्या उत्पन्न होगा, मान लेते हैं इसको ई टू। जो फ्लक्स क्या उत्पन्न हुआ, इंड्यूस्ड हुआ ई टू। ध्यान में रखेंगे, जब कभी कॉइल में फ्लक्स चेंज करता है, कट करता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस कॉइल के दोनों इंड के क्रॉस, उस कॉइल के दोनों इंड के क्रॉस क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज यानी ई एम एफ। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ई एम एफ। और यह जो इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है, यह स्टैटिक इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है। ये क्या होता है, स्टैटिक, यानी इसमें मोशन नहीं होता है, डायनेमिकली यह नहीं होता है, वो मशीन में होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ जनरेट कैसे हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ बराबर होता है ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बट्टे में डीटी। अब ध्यान में रखेंगे, डी फाई बट्टे में डीटी का मतलब ये होता है कि फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार डी फाई बट्टे में डीटी, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन इवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन इवर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जब फ्लक्स क्या होगा समय के साथ चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो फ्लक्स समय के साथ किस में चेंज हो रहा है, केवल एसी में। डीसी में तो फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा है, डीसी में फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा है। तो जब ये फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, या फ्लक्स इससे भी लिंक्ड है तो इसमें भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब यदि यहां पे हम लोड लगा दे, यानी सर्किट को क्या कर दे, क्लोज कर दे, अब यहां पे यदि हम लोड लगा दे तो इससे क्या होगा जी, करंट पास करने लगेगा। इसे क्या करेंगे, करंट पास करने लगेगा। अब फिर हम बात करते हैं, इसे दिए सप्लाई करंट एसी, इसके कारण जो फ्लक्स क्रिएट हुआ वह क्या हुआ, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब कभी कॉइल में कट करेगा तो इस कॉइल के दोनों इंड के क्रॉस ई1 यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया, यही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड है, ये सेम फ्लक्स, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका नाम हम क्या क्या कर दिए, ई टू। ध्यान में रखेंगे, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा, ये प्रोपोर्शनल है ईएमएफ का, ये प्रोपोर्शनल है किसका, ई एम एफ का। कुछ प्रॉब्लम, एन क्या है, प्रोपोर्शनल है ई एम एफ का। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, जब ये नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा फिर ई एम एफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ई एम एफ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड ई एम एफ उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर इस टर्मिनल वोल्टेज का नाम हम दे देते हैं क्या, वी टू। इस टर्मिनल वोल्टेज का नाम क्या दे दिए, वी टू। और यहां पर सप्लाई वोल्टेज वी वन, यहां पर सप्लाई वोल्टेज क्या दे दिए, वी वन। सप्लाई वोल्टेज अब वी वन दिए, ये कॉइल में करंट पास किया, फ्लक्स कट किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ई वन, यहां पर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ ई टू, इसका टर्मिनल वोल्टेज वी टू। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा, ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर में जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, दोनों के लिए प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहां पर हम बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ध्यान में रखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, जो ऐसे नहीं बोल देंगे वन है तो प्राइमरी या टू है तो सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंड करता है किस पे, सप्लाई साइड। कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है कि किधर किसको बोलेंगे प्राइमरी और किसको बोलेंगे सेकेंडरी।
सर प्लीज यूज इंग्लिश। यस, हम दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बात करते नंबर ऑफ टर्न, एन वन नंबर ऑफ टर्न एंड एन टू सप्लाई सिस्टम दे दिए, तो इसका बात कर रहे थे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपेंड करता है सप्लाई सिस्टम पे। ये प्राइमरी बोले या सेकेंडरी बोले, डिपेंड करेगा सप्लाई सिस्टम से। यदि सप्लाई दे दिए तो यहाँ टू लिखा हो या वन लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, वह क्या हो जाएगा? प्राइमरी। यदि यहाँ लोड दे दिए तो हमेशा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो ट्रांसफॉर्मर में जो प्राइमरी है सेकेंडरी, वो डिसाइड करेंगे किस पे, सप्लाई के आधार पे और लोड के आधार पे। लोड साइड ऑलवेज सेकेंडरी, लोड साइड इज ऑलवेज सेकेंडरी एंड सप्लाई साइड इज ऑलवेज प्राइमरी, सप्लाई साइड इज ऑलवेज प्राइमरी। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार ट्रांसफॉर्मर में क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ। अब ध्यान में रखेंगे, ये ट्रांसफार्मर आयरन का कोर होता है, ये ट्रांसफार्मर आयरन कोर होते हैं। आयरन कोर में भी एक स्पेशल टाइप ऑफ आयरन कोर, सिलिकन स्टील, सिलिकन स्टील और सी आर जीओ। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, जो आयरन का होता है, वह या तो सिलिकन स्टील का रहेगा या सी आर जीओ का रहेगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील। या तो सी आर जीओ का रहेगा या तो सिलिकन स्टील का रहेगा। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस का बात आता है। वो लॉस जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे क्यों ऐसा यूज करते हैं, इसे यूज करने से क्या होगा। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है, करंट क्या होगा नहीं होगा। तो अभी जो हम फिगर देखे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन साइड से अनदर साइड ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन साइड टू अनदर साइड क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या देखें, इसमें कोई मूवेबल पार्ट है? ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट नहीं, यानी ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता है। क्या यह ट्रांसफार्मर मूव कर रहा है? नहीं, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। ट्रांसफार्मर को मशीन नहीं बोलेंगे। यदि कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए मशीन, यह गलत होगा। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अब बात करते हैं, क्या ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है? क्या ट्रांसफार्मर पावर को इनहेंस करता है? क्या ट्रांसफार्मर पावर को इनहेंस करता है? क्या ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है? ध्यान में रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का जो डिफिनेशन होता है, रेगुलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का यदि हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पर सेकेंड, सेकेंड। और इंडियन फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है 50 हर्ज। इंडिया का जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आपका वह 50 हर्ज है। तो इसमें जो हम करंट दे रहे हैं वह 50 हर्ज का, इसमें करंट कितना दे रहे हैं? 50 हर्ज का इंडिया में है। यदि यूएसए की बात करेंगे तो वहां पर 60 हर्ज। इसमें यदि हम करंट दे रहे हैं 50 हर्ज का, तो इसके करंट के कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा, इस फ्लक्स का भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50 हर्ज। जितना फ्रीक्वेंसी का हम करंट दे रहे हैं, उतना ही फ्रीक्वेंसी का इसमें फ्लक्स भी क्या होगा? क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों नेचर में क्या है? एसी है। तो इसमें ये 50 हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी यानी फ्लक्स है, वही फ्लक्स सेकेंडरी को भी कट कर रहा है। तो यानी जितना रेट के साथ प्राइमरी को कट कर रहा था, उतना ही रेट के साथ सेकेंडरी को भी क्या कर रहा है? कट कर रहा है। जब सेकेंडरी को उतना ही रेट के साथ कट कर रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2, उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 50 हर्ट्ज ही होगा। इससे कंफर्म हो गया कि ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है।
ठीक है, अब इसका हम दूसरा चीज देखते हैं, पावर। इसका क्या देखते हैं? पावर। तो पावर का यदि बात करते हैं तो ये साइड वोल्टेज है, करंट है, तो पावर इक्वल टू नॉर्मली अभी लिख रहे हैं वी आई। पावर इक्वल टू कितना लिख रहे हैं? नॉर्मली वी आई। सपोज दैट यह ट्रांसफार्मर 100 KVA का है, ध्यान रखेंगे ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में, ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है? केवीए में। इसका भी रीजन होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, देखेंगे आगे। 100 KVA, तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पी इक्वल टू इस 100 को हम 2 पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट वोल्टेज को 5 और इसको ले रहे हैं 20, आ गया 100 KVA, यानी इसमें वोल्टेज है 5, करंट कितना है 20, हर्ज तो फिक्स रहेगा 50 हर्ज। अब यदि यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, सपोज दैट ट्रांसफार्मर यदि स्टेप अप है तो पहले था वोल्टेज का, बाद में क्या कर देगा? वोल्टेज ज्यादा कर देगा। तो इधर भी पावर P2 उतना ही होगा, सपोज दैट इधर आने से वोल्टेज आपका V2 बढ़ गया, तो वोल्टेज यदि हो गया सपोज 50, वोल्टेज हो गया सॉरी 50 नहीं 20 लेते हैं, 20 ही लेते हैं, वोल्टेज हो गया 20, तो कंफर्म है कि इसका करंट क्या होगा? 5 होगा। वोल्टेज 20, करंट 5, तभी 100 होगा। KVA, तो क्या देखे? जितना पावर इनपुट में उतना ही पावर आउटपुट में। दूसरे शब्द में इनर्जी को नॉर्मली यदि हम देखते हैं, इनर्जी को कहा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट कर, इनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल इनर्जी को वन साइड टू अनदर साइड ओनली ट्रांसफर करता है, ना उसको इनहेंस करता है। तो क्या देख रहे हैं? पावर जितना प्राइमरी साइड है उतना ही सेकेंडरी साइड है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आपका स्टैटिक डिवाइस, साथ में पावर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ट्रांसफॉर्मर इज ए कांस्टेंट पावर डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर पावर को क्या करेगा? कांस्टेंट करेगा, कांस्टेंट रखेगा। हाँ, इसमें कुछ परसेंटेज लॉसेस होती है, इस कारण से यहां पर कुछ क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। एक चीज देख रहे हैं, यहां वोल्टेज था लो, वोल्टेज 5, करेंट 20, वोल्टेज लो करंट हाई, इधर वोल्टेज हाई करंट लो। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यदि हम बात करते हैं, स्टेप अप, तो स्टेप अप के लिए अप मतलब बढ़ जाना, तो बढ़ा तो शुरू में कम था, बाद में क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ा क्या? सपोज दैट V1 है 100 वोल्ट और V2 है 200 वोल्ट, तो ट्रांसफार्मर क्या हो गया? यहीं पे इस एग्जांपल ले रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप हो गया। जब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अप हो गया तो आपको यह पूछा जाएगा कि V2 साइड करंट डाउन होगा या अप होगा या इक्वल होगा। तो V2 साइड करंट भी क्या होगा? ज्यादा? नो, करंट क्या होगा? कम होगा। कारण क्यों? एक ज्यादा दूसरा कम, क्योंकि पावर को क्या करना है? कॉन्स्टेंट रखना है। अब फिर सोचेंगे, यदि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, क्या है ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन है, तो स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। डाउन है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा? कम होगा। तो V2 स्टेप डाउन है, तो V2 लेस देन V1। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रख सकते हैं कि बताइए कि सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड से क्या होगा? तो जब ये स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम है, हम लोग जानते हैं वोल्टेज EMF प्रोपोर्शनल टू N d∅ बटे में dt, तो वोल्टेज कम है तो नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा? कम होगा। वोल्टेज ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस सारे को देखते हुए एक सिंगल जो आपका इक्वेशन आ जाता है वह V1 by V2 इज इक्वल टू N1 by N2। क्यों? अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF इज इक्वल टू N d∅ बटे में dt। इसको भी मानते हैं,
तो एन किसके प्रोपोर्शनल टू वी के, यदि यहां वी वन देते हैं तो यहां भी क्या देंगे एन वन। बताए थे यदि वोल्टेज हाई तो करंट लो, तो अब कहिए यदि वोल्टेज यहां वोल्टेज अब टर्न सेम है, इस कल्टू में यदि हम लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न जिधर ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, तो इसका जस्ट क्या कर देंगे रिवर्स, आई वन आई टू बाई आई वन। और ट्रांसफार्मर में अप्रोक्सीमेटली वी वन लगभग इसको हम लोग बराबर मान लेते हैं वी टू प्रोपोर्शनल टू ई टू, कितना करें क्या करेंगे बराबर वी वन प्रोपोर्शनल टू ई वन और वी टू प्रोपोर्शनल टू ई टू, इसी को बोलेंगे तो के बोल सकते हैं, मान लेंगे लेट के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर में देखे कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी, तो ट्रांसफार्मर में एसी दिए थे या डीसी, ट्रांसफार्मर में क्या दिए थे एसी, यदि ट्रांसफार्मर में डीसी देते हैं तो अब क्या होगा, सपोज दैट यहां क्या दिए डीसी, जब डीसी देंगे तो यहां फ्लक्स भी क्या होगा डीसी, यानी फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तब तो हर्ज हट जाएगा, हर्ज क्या जाएगा हट जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन डी फाई बट्टे में डी टी, और डीसी जो भी होगा फ्लक्स वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जब ये यहां पे कॉन्स्टेंट आ जाए तो ये क्या हो जाता है जीरो। तो क्या देखे यहां पर दिए डीसी, इसमें इंड्यूस्ड कितना हुआ वोल्टेज ई वन, इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज हो गया जीरो, यानी इसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज ई वन बराबर हो गया आपका जीरो वोल्ट। गौर करेंगे सप्लाई डीसी प्रेजेंट है, सप्लाई डीसी दे रहे हैं, इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड कितना हो गया जीरो, वोल्टेज इंड्यूस नहीं हुआ, वोल्टेज जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट, यहां पर हम सप्लाई दिए डीसी सप्लाई दिए, वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ मेरा जीरो, जब ये वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ जीरो मतलब ये कॉइल क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, जब ये यह कॉइल हो गया शॉर्ट सर्किट, ये कॉइल क्या हो गया शॉर्ट सर्किट, तब होगा क्या यह कॉइल बर्न कर जाएगा जल जाएगा, जब यह कॉइल जल जाएगा तो क्या इधर आ पाएगा, तो क्वेश्चन आता है कि जब ट्रांसफार्मर का डीसी सप्लाई दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर का कौन सा वाइंडिंग पहले जलेगा, ट्रांसफार्मर को जब डीसी सप्लाई दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर का कौन सा वाइंडिंग पहले जलेगा, तो इधर से सप्लाई दिए, सप्लाई दिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, फर्स्ट वाइंडिंग ये क्या हो जाएगा जल जाएगा, जब ये जल जाएगा इसका कनेक्शन टूट जाएगा तो इधर फ्लक्स नहीं जा पाएगा, तो इससे यह क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली एसी, ट्रांसफार्मर वर्क्स इनली ओनली एसी, ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता है, यदि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई देंगे तो पहले कौन सा वाइंडिंग बर्न करेगा, पहले प्राइमरी वाइंडिंग बर्न करेगा। हाँ लिखने के लिए आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा गोविंद लाल जी, नोट्स है नोट्स के देखिए, सारे नोट्स को भी देखेंगे फिर बात करते हैं, फिर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी जिधर से सप्लाई लगा हो वह क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी, और जिधर लोड लगा हो क्या कहलाएगा सेकेंडरी, तो सप्लाई लगा हो प्राइमरी, जिधर लोड लगा हो वह सेकेंडरी। अब ट्रांसफार्मर का कुछ हम कंस्ट्रक्शन पार्ट पे आते हैं, अब ये है मेन जो प्रैक्टिकली आप लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं हम उसका बात कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट से आपको इस लेवल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
सेम इसी तरह से इधर भी मान लेते हैं बुशिंग। सेकेंड बार जाएगा N1 N2 इसमें फिर प्लस इसमें आपका ये सिल का जेल रहेगा। चलिए ये हो गया आपका इंटरनल पार्ट। इसमें ऑयल रहेगा, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल से रहेगा, इसको बोलते हैं बुशिंग। क्या बोलते हैं बुशिंग, ये भी बुशिंग है। इसको लंबा मान लेंगे, ये हो जाएगा हाई वोल्टेज, ये आपका हो जाएगा लो वोल्टेज बुशिंग। इसमें आपका रहेगा सील का जेल, ये आपका कंजर्वेटर, यह है रिले। ये वकोल्स रिले होते हैं। ऑयल तो ट्रांसफार्मर में ये सब की आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, ये सब क्या होता है उसको देखते हैं। तो इसके बारे में पहले जाने थे कि वाइंडिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इधर, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में। अब ये जो बिग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को यानी ऑयल में इमर्ज कर देते हैं। ऐसा क्यों, इससे होता क्या है, आपका एक एक्स्ट्रा कूलिंग हो जाता है, दूसरा यह इसका इंसुलेशन स्ट्रांग हो जाता है। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं वह इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, बट हीट के वह क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और हीट के कंडक्टर होते हैं। जिधर जिस वाइंडिंग लो रहेगा, जो वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड रहेगा उसका बुशिंग यानी साइज, ये ट्रांसफार्मर का ऊपर वाला जो पोर्सलाइन का भाग रहता है उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। और जिसका हाई वोल्टेज रहेगा उसका बुशिंग क्या रहेगा, आपका बड़ा रहेगा। तो देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऑयल रखा हुआ है, इसको कॉयल को डाल दिए हैं यानी कोर डाल दिए हैं, और ये कंजर्वेटर टैंक से। जब ये ट्रांसफार्मर पे लोड देंगे, ट्रांसफार्मर क्या होगा, हीट होगा। जब हीट होगा तो इसका ऑयल भी क्या होगा, हीट होगा। ट्रांसफार्मर पर लोड देंगे तो इसका ऑयल क्या होगा, हीट होगा। जब ये ऑयल हीट होगा तो ये फैलेगा, एक्सपेंड करेगा। तो जब ये फैलेगा तो ये तो टोटली पैक रहते हैं, जब ये फैलेगा तो ये एक्स्ट्रा जो कंजर्वेटर है आपका, इस टैंक में क्या होता है, ऑयल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। ठीक है, फिर जब यह ट्रांसफार्मर पे लोड कम होगा यानी कूल डाउन होगा तो इसका ऑयल कॉन्टेक्ट फिक क्या होगा, फिर नीचे आएगा। तो एक्स्ट्रा ऑयल को कंजर्व करने के लिए, रखने के लिए जो टैंक यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर। और ये जो होता है वो क्या होता है, मेन टैंक होता है। ये क्या होता है, मेन टैंक होता है। ठीक है, अब सिलिका जेल का क्या काम है, यदि ऑयल एक्सपेंड करेगा, कंप्रेस करेगा, तो फिर इसमें एयर क्या होगा, एयर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सिलिका जेल जो होता है एटमॉस्फेरिक एयर को वह क्या करता है,
छान इन द सेंस कहते हैं फिल्टराइज करके अंदर भेजता है, यानी मॉइस्चर वाले एयर को मॉइस्चर निकाल करके यह सिलिका जेल क्या करता है अंदर प्रवेश करने देता है। तो सिलिका जेल एक फिल्टर के तरह काम करता है, जो एयर को क्या करता है फिल्टर करता है। यह डिपेंड करता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा, उस हिसाब से यदि सिलिका जेल का कलर ब्लू है तो समझेंगे कि यह सिलिका जेल क्या है हेल्दी कंडीशन में है, अच्छा है। और यदि सिलिका जेल का कलर विटिश है, उजला है, हल्का उजला और पिंक है, तो यह क्या हो चुका है खराब हो चुका है। जब ये गीला हो जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा विटिश, यानी थोड़ा उजला हो जाएगा और पिंक टाइप का हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल इलेक्ट्रिकली क्या है, इंसुलेटर है। ट्रांसफार्मर ऑयल इलेक्ट्रिकली क्या है जी, इंसुलेटर है। अब बोलिए, यस नोट्स मिला हुआ है वही। अब ट्रांसफार्मर ऑयल का बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर ऑयल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है। तो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी, ट्रांसफार्मर ऑयल का क्योंकि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का यदि बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी हाई होना, जितना रेसिस्टिविटी हाई होगा उतना ही रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो उससे करंट फ्लो करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट फ्लो क्या करेगा कम करेगा। अब ये बताइए ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर जितना हाई रहेगा उतना ही वह क्या करेगा, आग पकड़ने की संभावनाएं कम होगा, यानी फायर को कैच करने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो जिसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो फ्लैश पॉइंट होता क्या है, तो वह मिनिमम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी ऑयल, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ऑयल फायर को कैच कर ले, फायर को पकड़ ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज दैट मिनिमम टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट इज दैट मिनिमम टेम्परेचर टू कैच द फायर। फ्लैश पॉइंट वह मिनिमम तापमान है जिस पॉइंट को क्या करता है जी, आग को पकड़ लेता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई, और ये कितना होना चाहिए या जो है नॉट लेस देन, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है नॉट लेस देन 135 डिग्री सेल्सियस, ट्रांसफार्मर ऑयल का जो फ्लैश पॉइंट है 135 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो तापमान है 135 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल का विस्कोसिटी सायांता, ट्रांसफार्मर ऑयल का विस्कोसिटी सायांता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। अब सिंपल सी बात करते हैं, यदि विस्कोसिटी किसी का लो है और हाई है तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो हीट का गुड कंडक्टर है, तो ध्यान में रखेंगे कि एक सिंपल सी बात है, दो हम ग्लास लेते हैं, एक में वाटर रखते हैं और एक में हम शहद, शहद रखते हैं यानी मधु जिसको कहते हैं, इस दोनों को मूव कराएंगे। जब दोनों को मूव कराएंगे सेम वेलोसिटी के साथ, तो वाटर वाला देखेंगे कि जल्दी नहीं रुकेगा, लेकिन जो मधु है हनी है वह क्या हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। तो ये मोशन कम करेगा या मोशन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जब यह मोशन ज्यादा करेगा तो इसको ठंडा होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यह मोशन जब कम करेगा तो इसको ठंडा होने की प्रवृत्ति भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी इसका क्या देखें, जो गाढ़ापन जितना सॉलिड रहता है उसका उतना ही विस्कोसिटी ज्यादा होता है। तो इसका विस्कोसिटी आपका ज्यादा था तो ये ठंडा धीरे से हुआ, यानी टेम्परेचर इसका धीरे से रिलीज किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो विस्कोसिटी है, जिसको हम लोग सायांता कहते हैं, सायांता विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए।
विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ट्रांसफर ऑयल का विस्कोसिटी सांद्रता क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है, ये देख लिए। अब इसके बाद फिर आता है इसका डायलेक्टिक स्ट्रेंथ। इसका डायलेक्टिक स्ट्रेंथ, इसका डायलेक्टिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? यस, इसका डायलेक्टिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल का डायलेक्टिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे इसका विस्कोसिटी लो, फ्लैश पॉइंट हाई, रेसिस्टिविटी हाई, डायलेक्टिक स्ट्रेंथ हाई। ट्रांसफार्मर ऑयल का इतना गुण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ट्रांसफार्मर ऑयल का डेंसिटी अदर ऑयल से। ट्रांसफार्मर ऑयल का डेंसिटी अदर ऑयल से क्या होता? हाई होता है। घनत्व, ट्रांसफार्मर ऑयल का अधिक होता है। घनत्व जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का अधिक होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप ट्रांसफार्मर ऑयल, नॉर्मली ऑयल, तब पानी में आपका ऑयल जो है तेल यानी कोई छिड़क जाता है तो ऊपर रहता है, लेकिन यदि ट्रांसफार्मर ऑयल में यदि पानी इन कर गया है तो पानी ऊपर रहेगा और ट्रांसफार्मर ऑयल नीचे रहेगा। ठीक है, ये इसका देख लिया। ट्रांसफार्मर के लिए जो हम लोग देखे थे, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के। ट्रांसफार्मर वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर जो पहला आपका हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बताए थे ट्रांसफार्मर जिधर से सप्लाई दे देंगे वही प्राइमरी, जिधर से लोड लगा है वह सेकेंडरी। जिधर से सप्लाई देंगे वह प्राइमरी, जिधर से लोड लगा है वो उधर क्या सेकेंडरी। तो जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बात करते हैं तो इसमें कौन बड़ा होगा? यानी सेकेंडरी साइड स्टेप अप, बाद में क्या हुआ बड़ा, तो सेकेंडरी माने N2 को यानी V2 को, तो ये V2 ग्रेटर देन V1। ये क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा V1 ग्रेटर देन V2। इसका तो हम लोग रिलेशन देखे थे V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2 इक्वल टू I2 बाय I1। इसमें क्वेश्चंस आपको किस तरह से रहते हैं ट्रांसफार्मर, सपोज दैट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। टू ट्वेंटी 110 बोल्ट कमा 50 हर्ज का एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब टर्न्स, टर्न्स आपको दे देते हैं 100 है, तो यानी सेकेंडरी कुंडली में, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली जिसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स क्या होगा। नॉर्मली जब कभी भी इस तरह से लिखा गया हो तो पहले वाले को हम लोग क्या समझेंगे प्राइमरी, यदि फर्स्ट है इसको क्या समझेंगे प्राइमरी, और ये सेकेंड वाले को सेकेंडरी। ध्यान में रखेंगे सेकेंडरी, ये पहले वाला प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी फर्स्ट वाला प्राइमरी। तो इस हिसाब से V1 इज इक्वल टू
220 वोल्ट और वी टू इज इक्वल टू 110 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में तो एन वन इज इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में 100, तो एन टू इज इक्वल टू क्या होगा? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे, इसको उलट के भी लिख सकते हैं, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू का भी के फॉर्म में दिया गया है वी टू बाई वी वन। यहां से एन टू इज इक्वल टू डायरेक्ट निकल जाएगा एन वन इन टू वी टू बाई वी वन। एन वन है आपका 100, वी टू कितना है, वी टू 110 इजकल टू 220, काट देंगे 2 से आ जाएगा आपका 50 टर्न। 50 टर्न्स कितना आ गया, 50 टर्न। अब इसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम हॉल में तो इतना नहीं देखेंगे, इतना नहीं वी वन वी टू करेंगे, ऑप्शन के आधार से चलेंगे। क्वेश्चन देने से यह कंफर्म हो गया कि पहले वाला को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी वाले सेकेंड वाले को सेकेंडरी बोलते हैं। पहले था 220 वोल्ट, अब हो गया 110 वोल्ट, यह स्टेप डाउन हुआ, स्टेप अप हुआ, यह स्टेप डाउन हुआ। जब वोल्टेज घटा तो टर्न भी क्या होगा, घटेगा। जब 220 वोल्टेज था तो क्वेश्चन में टर्न था 100, जब उसका आधा हो गया 110 तो टर्न भी क्या हो जाएगा, आधा, डायरेक्ट 50 आंसर, डायरेक्ट क्या देंगे 50 आंसर, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सप्लाई साइड था 220, पहले था 220, बाद में हो गया 110, अब टर्न था 220 साइड, प्राथमिक कुंडली में बोला गया 100 है टर्न, तो सेकेंडरी कुंडली में टर्न क्या होगा, यहां वोल्टेज हाफ हुआ तो यहां टर्न भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं आपके स्टेप अप से स्टेप डाउन से, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप डाउन, स्टेप अप, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपका आएगा है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब सेकेंडरी साइड वोल्टेज क्या होगा, आपका कम होगा, यानी वी वन बड़ा होगा और वी टू क्या होगा, छोटा होगा, वी टू छोटा होगा, स्टेप डाउन है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं V1 greater than V2। क्वेश्चन आता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड जो करंट होगा वह प्राइमरी साइड से क्या होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड जो करंट होगा वह प्राइमरी साइड से क्या होगा, यानी ग्रेटर होगा या लेस होगा। ध्यान में रखेंगे वोल्टेज ज्यादा है प्राइमरी साइड का, वोल्टेज करंट कम है सेकेंडरी साइड का। जब ये वोल्टेज इसका कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपको बताइए कि प्राइमरी साइड में करंट सेकेंडरी साइड से क्या होगा। तो प्राइमरी साइड में करंट सेकेंडरी साइड से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इंसुलेशन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग था प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, हम उसका बात कर रहे हैं। बी वन बी टू वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया का फिर बात करेगा। बी वन बी टू ये ट्रांसफार्मर है आपका स्टेप डाउन, बी वन ग्रेटर देन बी टू, वोल्टेज किधर बढ़ा प्राइमरी साइड, वोल्टेज कम सेकेंडरी साइड। क्वेश्चन आता है द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, यानी तार के कवर की मोटाई। पहला क्वेश्चन, तार के कवर की मोटाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड ज्यादा होगा कि सेकेंडरी साइड ज्यादा होगा, कोई बता सकते हैं? ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन तो वोल्टेज प्राइमरी साइड ज्यादा, वोल्टेज सेकेंडरी साइड कम। तो इस तार पर जो कवर किया हुआ रहता है उस कवर का थिकनेस मोटाई
प्राइमरी सर ज्यादा होगा या सेकेंडरी सर ज्यादा होगा? एनीवन? सो जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेशन की मोटाई क्या होगी? अधिक होगी। जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा? अधिक होगा। जिधर वोल्टेज कम होगा उधर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा? कम होगा। यानी जिधर वोल्टेज कम तार के कवर की मोटाई क्या होगी? कम होगी। जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर तार की कवर की मोटाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि ध्यान में रखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। हाई वोल्टेज साइड इंसुलेशन की मोटाई क्या होगा? ज्यादा होगा। यस, हाई वोल्टेज साइड मोर। राकेश यादव जी, सही जवाब है आपका। हाई वोल्टेज साइड थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ज्यादा होगा, लो वोल्टेज साइड थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कम होगा। वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। अब करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी साइड में इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वह सेकेंडरी साइड से क्या होगा? जवाब देंगे कोई? बोलेंगे, क्वेश्चन है कि प्राइमरी साइड में इस कंडक्टर के वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेकेंडरी साइड से क्या होगा? वोल्टेज V1 ग्रेटर देन V2। तो अब कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले वाला ये अभी ट्रांसफार्मर जो है अभी एक ही का लेकर के चलते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में हम लोग जानते हैं क्या? V1 ग्रेटर देन V2, या दूसरे शब्दों में N1 ग्रेटर देन N2। जब V1 ग्रेटर देन V2 हो गया तो करंट इसका क्या होगा? जस्ट उल्टा। तो करंट हो जाएगा I1 लेस देन I2, यानी I2 ग्रेटर देन I1। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर करंट कम, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इधर वोल्टेज ज्यादा है करंट कम होगा। यह सही जवाब। तो इधर वोल्टेज हाई है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वोल्टेज हाई है तो करंट कम है। अब इधर वोल्टेज लो है, जब ये वोल्टेज लो है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कम, वोल्टेज लो तो करंट हाई, करंट हाई होगा तो तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझेंगे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी यह तार किधर मोटा होगा पतला होगा? गोविंद जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझेंगे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब यह तार कितना मोटा है कितना पतला है। इधर वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, इधर वोल्टेज क्या था? लो था। इधर वोल्टेज क्या था? लो था। जब इधर वोल्टेज लो था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम होता है। जब वोल्टेज कम है तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जब करंट ज्यादा होगा तो इस तार का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्वेश्चन आपको हम फिर दे रहे हैं, अब सोच कर जवाब दे रहे हैं। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्वेश्चन आप इसी के कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली का तार का
क्षेत्रफल, सेकेंडरी से क्या होगा? बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार का क्षेत्रफल सेकेंडरी कुंडली से क्या होगा? चलिए, स्टेप डाउन है, सेकेंडरी साइड वोल्टेज कम तो प्राइमरी साइड वोल्टेज ज्यादा, जब प्राइमरी साइड वोल्टेज ज्यादा तो करंट क्या? कम, जब करंट कम तो तार का क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम होगा। करंट कम तो तार का क्षेत्रफल भी क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्राइमरी साइड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड, विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड, तो क्या होगा आपका? करंट कम होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा? कम होगा। मीन्स क्या होगा जी? लो होगा। देखिए, दोनों लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इतना कंसीडर कीजिए, 100% ना तो इंग्लिश होगा ना 100% आपका हिंदी होगा। इसी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह दे तो कुछ नहीं कर, देखेंगे ट्रांसफार्मर में किधर वोल्टेज ज्यादा किधर करंट ज्यादा। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे देखा जाए, क्वेश्चन आपका जो अभी देखे थे ट्रांसफार्मर ऑयल से रिलेटेड, बताए थे ट्रांसफार्मर ऑयल का रेसिस्टिविटी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। यस, हाँ, जितना संभव है उतना कर रहे हैं इंग्लिश। हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का लॉसेस, हानिया। ट्रांसफार्मर का क्या बात कर रहे हैं? लॉसेस, हानिया। तो ध्यान में रखेंगे, ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस होता है, हानि, वह दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर जो हानि होते हैं, और कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कॉपर लॉस, या इसी को बोलते हैं ओमिक लॉस। तो कॉपर लॉस, इसी का दूसरा नाम क्या है? ओमिक लॉस, या इसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस, वेरिएबल लॉस। दूसरा जो हानि होते हैं ट्रांसफार्मर में, होते हैं कोर लॉस। क्या होता है? कोर हानि, कोर हानि, कोर लॉस। इसको हिंदी में बोलते हैं ताम्र हानि। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्र हानि। ओमिक को ओमिक, वेरिएबल लॉस को परिवर्तनशील लॉस। कोर लॉस का दूसरा नाम या करके होता है आयरन। आयरन लॉसेस, कोर लॉस का दूसरा क्या होता है? आयरन लॉसेस। इसको डिनोट करते हैं पी आई से, इसको डिनोट करेंगे किससे? पी सी, सी फॉर कॉपर लॉसेस, यहां आई फॉर आयरन लॉसेस। ट्रांसफार्मर में टू टाइप्स हानि होगा, कॉपर लॉसेस, सेकेंड आपका क्या होगा? आयरन लॉसेस। तो अब स्टेप बाय स्टेप दोनों लॉसेस का बात करते हैं। ध्यान रखेंगे ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस, एक कांस्टेंट लॉसेस, और इसको आयरन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं।
इस आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बता चुके हैं आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फर्स्ट बात अब करते हैं कॉपर लॉस पीसी। कॉपर लॉस का बात कर रहे हैं, तो सी फॉर कॉपर ध्यान में रखेंगे, पीसी इज इक्वल टू या ओहमिक लॉस आई स्क्वायर आर। पीसी ओहमिक लॉसेस कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो कॉपर लॉसेस डिपेंड कर रहा है करंट पे, कॉपर लॉसेस क्या डिपेंड कर रहा है करंट पे, और ट्रांसफार्मर का करंट जैसे हम लोड चेंज करेंगे वैसे भी करंट इसका क्या होगा चेंज होगा। जब इसको लोड चेंज करेंगे तो लॉसेस भी क्या होगा चेंज होगा। यही कारण है कि कॉपर लॉसेस चेंज करता है, कॉपर लॉसेस कॉन्स्टेंट नहीं होता। दूसरा, कॉपर लॉसेस डिपेंड करता है लोड पे, ध्यान में रखेंगे कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड पे। यदि लोड को बढ़ाएंगे लोड को इंक्रीज कराएंगे कॉपर लॉसेस भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। कारण क्यों, लोड बढ़ेगा तो लोड इंक्रीज करेगा, करंट भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो लॉसेस भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। करंट यदि इंक्रीज करेगा तो लॉसेस भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा लॉस भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तब तो कह सकते हैं कि नो लोड में, एट नो लोड, एट नो लोड आई इज इक्वल टू जीरो। थ्योरेटिकली बात करते हैं, नो लोड जब लॉसेस जीरो हो ट्रांसफार्मर का सारा, तो जब करंट जीरो हो तो कॉपर लॉसेस जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर इंटू आर बराबर 0 वाट, 0 वाट। नो लोड में कॉपर लॉसेस शून्य होता है, नो लोड में कॉपर लॉसेस शून्य होता है। लोड इंक्रीज कराएंगे कॉपर लॉसेस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, लोड इंक्रीज कराएंगे कॉपर लॉसेस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपका आयरन लॉस और कोर लॉस। आयरन लॉस और क्या कोर लॉस, यह लॉस भी क्या प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये लॉस भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ये लॉस भी आपके टू टाइप्स। पहला मान लेते हैं एडी करंट, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, इसको हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा हानि। एडी करंट लॉस इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, भंवर धारा हानि। और दूसरा जो लॉस होता है वह हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरा जो लॉस होता है वह क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। इसको हम लोग बात करते हैं पी ई से, इसको डिनोट कर रहे हैं पी एच से। तो अब क्वेश्चन आएगा, क्या एडी करंट लॉस कांस्टेंट लॉस होता है या वेरिएबल लॉस होता है। तो शुरू में ही हम लोग जानी आयरन लॉस कोर लॉस, ऐसी का दूसरा नाम था कांस्टेंट लॉस। तो जब मेन लॉस ही जो जिससे दो को बना है वही कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये दोनों भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। एडी करंट लॉस भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। किसमें, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में केवल वेरिएबल होते हैं आपका कॉपर लॉस। एडी करंट लॉस हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं। तो फिर इस पे हमें देखना है कि कौन लॉस क्या चीज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो अब बात करते हैं एडी करंट लॉस का। चलिए राइट डाउन कीजिए जल्दी।
गया। अब केवल हम ईडी करेंट लॉस का बात करते हैं। तो ईडी करेंट लॉस पी इज इक्वल टू लिखेंगे के, ध्यान में रखेंगे ई फोर स्क्वायर, सभी जगह हम स्क्वायर देंगे, ई फोर स्क्वायर के बी एम का स्क्वायर एफ का स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन टी, इसका भी स्क्वायर। के ही होता है कांस्टेंट, एडी करंट कांस्टेंट, बी एम इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी और टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, बी इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, टी इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो ध्यान में रखिए इसका क्वेश्चंस यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा, ईडी करंट लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ईडी करंट लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ता है तो ईडी करंट लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। के इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है, के इज इक्वल टू कांस्टेंट होते हैं। इसका जो आप मेन क्वेश्चंस आते हैं कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन, आयरन का जो कोर सीट बना होता है वह क्या बना होता है, लेमिनेटेड सीट बना होता है। जब हम आयरन के कोर को लेमिनेटेड कर देंगे तो उसका ईडी करंट लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पॉइंट यह लिख लेंगे, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या किया जाता है जी, लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ईडी करंट बढ़ेगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा तो फिर एडी करंट लॉस बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, हम किसका बात करेंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस। इसका हिंदी में होता है शैथिल्य हानिया। एडी करंट लॉसेस का जो आपका हिंदी था वह भंवर धारा हानि, और हिस्टेरेसिस लॉसेस का आपका जो हिंदी हो जाएगा वह हो जाएगा शैथिल्य हानिया, हिस्टेरेसिस लॉसेस पी एच। इसमें ध्यान में रखेंगे जो पी एच इज कल टू हो जाएगा के एच, पी एच इज कल टू के एच, बी मैक्स के पावर में 1.6 और एफ, ध्यान में रखेंगे पी एच हिस्टेरेसिस लॉस इज इक्वल टू के एच, यहां पर के एच हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, बी मैक्स के पावर में 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एडी करंट
पीई का मतलब ध्यान में रखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ईडी करंट के फॉर्मूला में सब में क्या होता था, स्क्वायर ई फोर स्क्वायर, प्रोनाउंसिएशन से हिस्टेरेसिस लॉस में स्क्वायर नहीं होगा। यहां पर भी वही एफ मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, बी इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एच मींस यहां पर पीएच मींस हम क्या समझेंगे हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो फिर यहां पर भी क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराएंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कराएंगे तो पर भी हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या करेगा इंक्रीज करेगा। लेकिन ईडी करंट में स्क्वायर से इंक्रीज करता था, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी स्क्वायर से इंक्रीज करता था, बट हिस्टेरेसिस लॉसेस में ओनली फ्रीक्वेंसी स्क्वायर नहीं होगा, डायरेक्टली सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराएंगे, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होगा इंक्रीज करेगा। और कुछ कुछ जो यहां पर वैल्यू होते हैं के एच का, उसका वैल्यू ध्यान में रख लेंगे। के एच तो हिस्टेरेसिस कांस्टेंट होता है के एच 0.025 फोर कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस कांस्टेंट जो क्या होते हैं 0.025, 0.025। और सिलिकन स्टील के लिए, सिलिकन स्टील के लिए के एच के वैल्यू 0.001 फोर सिलिकन स्टील, फोर सिलिकन स्टील। और CR0 के लिए लिख लेंगे के एच इक्वल टू 0.001 फोर CR0 फोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ये के एच का मान होता है। इसको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए फिर यहां से एक क्वेश्चन आते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा सुटेबल फेरोमैग्नेटिक, एक बहुत अच्छा सुटेबल फेरोमैग्नेटिक, यस हिस्टेरेसिस लॉसेस का बात कर रहे हैं पीएच। हाँ गोविंद जी, तो यहां पर वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किया जाता है, बी मैक्स के पावर में 1.6 इंटू हम एफ लिए थे इंटू बी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम ऑफ कोर को हम कंसीडर यहां पे नहीं किए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और बी मैक्स का, फ्रीक्वेंसी और बी मैक्स का वॉल्यूम ऑफ कोर, तो वॉल्यूम ऑफ कोर डिपेंड फिर कर जाएगा आपका ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे। यदि ट्रांसफार्मर का रेटिंग को इंक्रीज कराएंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोर डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे, रेटिंग इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ कोर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, इसलिए हम यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ कोर को कंसीडर नहीं किए थे। ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी, आप जो क्वेश्चंस आते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस कराने के लिए बहुत अच्छा सुटेबल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए सुटेबल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें क्या करेंगे सिलिकन की मात्रा को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, ये कर सकते हैं। दूसरा, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए ऐसा मटेरियल का उपयोग करेंगे जिसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया क्या हो जी, कम हो, नैरो हो। ध्यान में रखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस को, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए आपको हिस्टेरेसिस लूप एरिया, हिस्टेरेसिस
लूप एरिया को क्या करेंगे, कम रखेंगे। अब ध्यान में रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस ये भी आ जाते हैं कि जो हिस्टेरेसिस कर्व है इसमें कहां पे एच होता है या कहां पे वी होता है। तो ध्यान में रखेंगे एच फॉर हॉरिजॉन्टल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली एक्सिस में क्या होगा, एच होगा, तो यहां पे क्या होगा, बी होगा, यहां पे माइनस एच होगा और यहां पे माइनस बी होगा। तो हिस्टेरेसिस ट्रांसफार्मर में हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए इसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया भी क्या होगा, कम होगा। यानी जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप एरिया, जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लूप एरिया आपका लो होगा उसमें हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो जिस मटेरियल का हिस्टेरेसिस लॉस एरिया यानी हिस्टेरेसिस लूप एरिया कम होगा उसका रिटेंटिविटी एंड कोसिविटी भी क्या होगा, लो होगा। उसका रिटेंटिविटी एंड कोसिविटी भी क्या होगा, लो होगा। ये मैग्नेटिज्म में देखेंगे हिस्टेरेसिस लॉस, डिटेल में हिस्टेरेसिस लूप एरिया क्या होता है नहीं होता है, विदाउट हिस्टेरेसिस का उतना अच्छे से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी। तो ट्रांसफार्मर में आपका फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं, इस कारण से ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी आपका वेरी हाई होता है। वेरी गुड ट्रांसफार्मर के लिए आपका बिग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, बिग ट्रांसफार्मर और क्या जी, गुड ट्रांसफार्मर, गुड ट्रांसफार्मर के लिए जो आपका इफिशियंसी होगा परसेंटेज में, ऑलवेज इफिशियंसी को हम लोग व्यक्त करते हैं किसमें, परसेंटेज में, वो आपका होता है 97 to 99%, 97 to 9%। लेकिन ध्यान में रखेंगे यह किस ट्रांसफार्मर के लिए, पावर ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए, पावर ट्रांसफार्मर के लिए, ये किसके लिए होता है, पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी अलग होते हैं, ये एट फुल लोड, एट फुल लोड इफिशियंसी जो होता है आपका वह गुड हाई यानी बिग ट्रांसफार्मर, बिग ट्रांसफार्मर या गुड ट्रांसफार्मर के लिए पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 97 to 99% एट फुल लोड। यदि यहीं पे पूछते डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वो आपका ओनली 50%। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी आपका 50% होता है फुल लोड पे, फुल लोड पर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है ओनली 50% एट फुल लोड, बट पावर ट्रांसफार्मर का जब कभी बात करेगा तो उसका इफिशियंसी आपका क्या होगा, 97 to 99% एट फुल लोड। इफिशियंसी का हम लोग बात करेंगे फुल लोड, इफिशियंसी का जब भी हम लोग बात करेंगे क्या जी, फुल लोड। इफिशियंसी का हम लोग जानते हैं पावर आउटपुट बटे में पावर इनपुट फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला। तो यदि हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी बराबर पावर आउटपुट, पावर आउटपुट क्या जाएगा, पी आउटपुट बट्टे में पी इनपुट। परसेंटेज इफिशियंसी की बात करेंगे पावर आउटपुट बट्टे में पावर इनपुट, परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी पावर आउटपुट बट्टे में पावर इनपुट। तो अभी हम जस्ट पढ़े थे आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और क्या जी, कॉपर लॉसेस। तो इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं पावर ट्रांसफार्मर में और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, एक पावर ट्रांसफार्मर यहां लिख दिए हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफर और क्या जी? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। पावर ट्रांसफार्मर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पी आई, आयरन लॉसेस रेशियो ऑफ क्या आपका कॉपर लॉसेस, इसका जो रेशियो होता है वह 1:1 होता है। ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ट्रांसफार्मर में आपका आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का रेशियो जो होता है वो कितना होता है? 1:1 होता है। वो कितना होता है? 1:1 होता है। ये पावर ट्रांसफर का बात कर रहे हैं, 1:1 होता है। चलिए अब यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात करेंगे, ये ऑलवेज एट ए टाइम ऑल टाइम लोडेड रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर का हम बात कर रहे हैं पी आई पी सी, ध्यान में रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग को जहां से बिजली सप्लाई आती है घर से, मतलब घर से बाहर जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें देखते रहिएगा कि जब आप लोग लोड नहीं लीजिएगा तब पर भी ट्रांसफार्मर में करंट रहता है, तो एक ऑल टाइम उसमें आयरन लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, बट कॉपर लॉसेस तभी प्रेजेंट होगा जब लोड रहेगा। तो इसका जो आपका रेशियो होता है वह 1:3, इसका रेशियो क्या होता है? 1:3। इसका रेशियो क्या होगा आपका? 1:3 आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपका 1:3। इसके बाद पावर ट्रांसफार्मर में आपका आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस का रेशियो 1:1। इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी का बात किए थे कितना? 97% to 99%। इसका इफिशियंसी 97% to 99%। और इसका इफिशियंसी का जो बात किए थे परसेंटेज में, इसका बात किए थे कितना परसेंट? 50%। एट कितना पे? सब फुल लोड पे, एट फुल लोड, एट फुल लोड, ये भी एट फुल लोड, एट फुल लोड। लॉसेस का बात करेंगे, इसमें लॉसेस क्या होता है? बराबर, यही कारण है कि इसका एफिशिएंसी 99% होता है। इसमें आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस बराबर होता है, और यह कंडीशन होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। जब आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस हो जाते हैं एफिशिएंसी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जब आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉसेस हो जाते हैं तब उस केस में एफिशिएंसी क्या होता है? मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और कल संडे को क्लास नहीं रहेगा मेरा, मंडे को फिर क्लास रहेगा। कोई क्वेरी है तो बोल सकते हैं, नेक्स्ट इसका आगे पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई क्वेरी बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए कोई क्वेरी है तो। थैंक्स, क्लास अच्छा था। राकेश यादव जी, यस पीडीएफ मिल जाएगा, कोई मिला होगा पीडीएफ, शायद डाउनलोड करना आपको सिर्फ। एनी क्वेरी?